न केवल राम, भरत, भरत का भी विवाह उसी मंडपम में मांडवी जी के साथ। तीसरे लाल लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ। छोटे सुकुमार रिपुदमन शत्रुघ्न उनका विवाह श्रुति कीर्ति के साथ। लग्न मंडपम में पहले भगवान राम का विवाह हुआ, जानकी जी वामांग में बैठ गई, देवगण पुनः हर्षित हुए, पुष्प वृष्टि होने लगी। लग्न मंडपम में दूसरा विवाह भरत जी का हुआ, मांडवी जी उनके वामांग में। उसी क्रम में उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ और चौथे कुमार रिपुदमन शत्रुघ्न की वांग संभूता बनी श्रुति कीर्ति। ये चारों देवियों के नाम, महादेवियां। बड़ा आदर सत्कार, बार बार की मनोहार प्रणाम, कितनी बार सुने ना, आदर पूर्वक चारों कुमारों को बुलाती हैं, बुला तो लेती हैं, संवाद नहीं कर पाती। उनका मन तो होता है जामाता को, दामाद को बुला लिया जाए, पर संवाद कैसे करें। सकुचाती हैं सास सुने ना कि मैं अब दामाद से बात क्या करूं। मन तो हर्षित होता है। राम रूप निहारती हुई, राम के गुणों पर रीझती हुई, धन्य भाग है मेरे ऐसा कहती हुई, बस वो बीजनाई तो हिलाती हैं, वो संकेत तो करती हैं कि ये पकवान है, मधुर मिष्ठान है। विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ, थोड़ी लज्जित सी होती हुई ये कहती हुई कि आपके यहां तो क्या कमी होगी व्यंजनों की, पकवान मिष्ठानों की, आभूषण परिधानों की, सचिव और सेवकों की। आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, समूची धरा के नरेश आपको नित्य शीश झुकाते हैं। वो जानती तो हैं कि मेरा दामाद कोई और नहीं, ब्रह्मा का पिता है, जिसने समूची सृष्टि की रचना की। ऐसे चतुरानन ब्रह्मा उनके नाभि कमल से है, इसलिए मौन शांत। एक महीने की बारात में एक दिन में आपके साथ बिताऊं तो फिर तो हो गई कथा। एक महीने की बारात, उसमें सारोकार विचार, शास्त्र विचार, उसमें क्या नाटक हुए, उसमें क्या गीत गाए गए, कौन सी चर्याएं हुई, क्या संवाद हुए, कौन सी कलाओं का प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार के गीत संगीत, कौन सी कविता, किस प्रकार से विद्वानों के संवाद, शास्त्रार्थ। बड़ा चल पड़ी अयोध्या की ओर, और अयोध्या में बारात आ रही है और राजभवन के झरोकों में से, गवाक्षों में से झांक कर तीनों महारानियां, कौशल्या, मां कैकेयी, विनम्र, देखिए सुमित्रा, वो निहार रही हैं बारात को। विशाल बारात की शोभा, हाथियों पर, घोड़ों पर पालकियां, वे किस तरह के छत्रों के नीचे चारों कुमार, कौशल्या ने ऐसे देखा था सुमित्रा की ओर, ये पूछकर क्या योजना है। सुमित्रा आई, चरण छूकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा योजना यह है कि पहले आप जाएंगे द्वार पर। फिर कैकेयी ने पूछा, मैं बोली आप इधर खड़ी होंगी, इसका अर्थ है घर की सारी व्यवस्था सुमित्रा के पास थी।
घर के सारे सारोकार सुमित्रा करती थी, राजभवन में कैकई बैठती थी, मां कौशल्या अनुष्ठान में, देव पूजा में, घर का मंदिर कौशल्या के पास था, देव पूजा, अर्चना, अभिषेक, साधन, नियम, व्रत, भोर में ब्राह्मणों का भोजन दान, गौदान, अतिथि अभ्यागत का सत्कार, नित्य साधुओं का भोजन, विप्रों को जिमाना, नित्य यज्ञ, होम, अग्निहोत्र और जितने मंदिर हैं उन सब की पूजा, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता, नवग्रह आदि का पूजन और प्रतिदिन सरयू का अभिषेक, पूरा दिन निकल जाता उनका। घर के सारे पूजा पाठ का काम बड़ी मां करेंगे। राम ढूंढते थे, माँ कहाँ गई है, माँ तो मंदिर में बैठी है, माँ पूजा कर रही है, माँ सत्संग कर रही है, माँ साधुओं का सम्मान कर रही है, अरे माँ नहीं मिल रही, कहाँ गई माँ, अरे माँ ब्राह्मणों को जिमा रही है, माँ है कहाँ, माँ साधुओं के बीच मिलेंगी, संत आए, वामदेव आए, जाबाले आए हैं, अब ढूंढ रहे माँ मिल नहीं रही, अरे माँ वहां अरुंधति के संग उनके आश्रम में गई होंगी, अरुंधति के संग। तो बड़ी मां का काम क्या, कौशल्या माने अनुष्ठान, देव पूजा, अर्चना, गौ ब्राह्मणों की सेवा, सत्संग, दान, व्रत, उपवास। लो, कई बार मौन के समय आते तो मौन कौन, मौन में कौन बैठा है, मां बैठी होगी, तो कौशल्या मौन में, ध्यान में, पूजा उपासना में है, संत सेवा में है, ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बैठी है। अब नहीं मिल रही है कौशल्या तो कहाँ गई होंगी, अरुंधति के साथ वशिष्ठ के आश्रम में गई होंगी, ढूंढते ढूंढते पूछ रहे माँ वहां बैठी है। लेकिन जिसका सीधा पता था कि माँ कहाँ मिलेगी, कि जब माता पिता के बीच में हल्की सी स्थिरता आ जाए तब बच्चों का काम है माता पिता के गुणों का गुणानुवाद करना, ये बच्चों का काम है कि वो हर्षित करें माता को, पिता को, उनके गुणों का गुणानुवाद गाएं, ये बहुत भीतर की बात है। बड़ा विस्तार है कथा में। तो सुंदर सी पाती गई थी अयोध्या, हर्षित हुए राजा दशरथ, तीनों रानियां, गुरुदेव वशिष्ठ, क्या बारात आई थी महाराज अयोध्या से, क्या नहीं आया था अयोध्या से, सकल वैभव बरात के रूप में, देवगण, मुनिगण, इंद्र आदि रोक नहीं पाए ब्रह्मा स्वयं को, महादेव आदि, रुद्र, गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों ने वेश बदल लिए बराती बनकर और जनकपुर में एक महीने बरात रही। बचपन में तो हमने भी एक दो तीन दिन की बरातें देखी हैं, बहुत बाल्यकाल में, अभी तो घंटे दो घंटे का सारोकार है। आप में से कई लोगों ने देखा है वो दृश्य, अपनों के लिए मनोहार, सजन गोठ, किस तरह से बारात का आदर, वो सजन गोठ कैसी है, स्वजनों की गोष्ठी, सजन गोठ माने स्वजनों की गोष्ठी, स्वजन गोष्ठ, स्वजनों की, उनकी मनोहार, उनका आदर, उनके लिए प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, आभूषण, परिधान, ये सब करते रहना चाहिए। इसमें मानसिक कष्ट न हो, इसमें आर्थिक अनियमितता न हो जाए, अकारण ही किसी को कष्ट न दे,
लेकिन हाँ उत्सव पर्व और परंपराएं इन्हें जीवंत रखना, जागृत रखना, इन सारोकार और उत्सव परम परंपराओं के कारण ही तो हमारी संस्कृति मृत्युंजयी है, कालजयी है। इसलिए तो हम भारत के प्राणी अनोखे हैं, अद्भुत हैं, अपने व्रत उपवास पर्व परंपराओं के कारण। एक मास की बारात, दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ और भूतनाथ महादेव और उनके संग, उनके भी गण वेश बदलकर सभ्य बराती बनकर आ गए। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया आपने, सभ्य बराती बनकर। बारात में सभ्यता रखनी चाहिए, वह बारात असभ्य ना हो जाए। कई जगह की बारातें तो ऐसी होती थी, वहां चारपाई न टूटे तब तक बारात का पता ही नहीं लगता था। सभ्य बारात, शिष्टता, शालीनता, सद्गुण, विप्रगण, देवगण, मुनिगण, अद्भुत बारात।